राजस्थान सरकार की ओर से कर्ज माफी के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इसे मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता का परिणाम बताया। नागौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने गहलोत को सीएम और पायलट को डिप्टी सीएम बनाकर बेहतर निर्णय लिया, तो अब गहलोत ने किसान कर्ज माफी का वादा पूरा कर प्रदेश के किसानों को एक बड़ी राहत दी है। उन्होंने आने वाले समय में हर वर्ग को बड़ा तोहफा मिलने की बात भी कही है। सचिन पायलट ने यह तय किया कि हम जो घोषणा पत्र निकाल रहे हैं उस घोषणा पत्र में हम जनता से वादा करते हैं, किसानों से वादा करते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर हम आपके कर्ज माफ करेंगे और आपको राहत पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा वादा किया उन्होंने उसी वादे को उन्होंने पूरा निभाया। मैं आशा करता हूँ कि किसानों को इससे सुनिश्चित राहत मिलेगी और सबसे ज्यादा उनमें एक हिम्मत आएगी कि सरकार हमारी ओर ध्यान कर रही है। देखिए, नागौर जिला किसान जिला, किसान के नाम से जिला प्रसिद्ध है। यहाँ खेती और पशुपालन किसानों का मुख्य व्यवसाय है। पशुपालन तो वैसे ही घाटे का सौदा हो गया है। गायें सड़कों के ऊपर घूम रही है, बीजेपी ने कोई ध्यान नहीं दिया था। कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, देश आजाद होने के बाद किसानों को खाद्यान्न अधिकार दिए थे, जो खेत बोता था उसी का खेत हो गया। अब देश के अंदर जहां परिस्थितियां बदली, किसान आत्महत्या कर रहे थे। राजस्थान का किसान इतना मजबूत है, विकट परिस्थितियों के अंदर भी आत्महत्या करने की किसानों ने नहीं सोची। इसी मौके पर जब देश का किसानों की हालत खराब हो रही थी और अशोक गहलोत जी ने जो कार्यभार संभाला और 2 लाख तक के कर्जे माफ कर करके और किसानों को बड़ी राहत दी है और इसका किसान के ऊपर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आने वाले चुनाव के अंदर भी सकारात्मक रिजल्ट आएगा।